हिंदी कहानी है धन, प्रेम और सफलता। एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। हमें भोजन करना है, साधुओं ने बोला। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है, एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग मेरे घर में प्रवेश करिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों है, औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में मध्य में खड़े साधु ने कहा, पुत्री मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया, वह आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हम तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता ही धन को ही बुला लेते हैं, पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं, औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात